विदेश में घर बसाने का झांसा देकर समालखा के वार्ड 6 वासी संदीप से 62 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने पहले तो संदीप की पत्नी मुस्कान को वर्क वीजे की जगह टूरिस्ट इटली भेज दिया, पर वहां पर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगे। अब मुस्कान इटली में बंधक की जिंदगी जी रही है। 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा पिता संदीप के पास है। पैसे, पासपोर्ट और दस्तावेज वापसी के बदले धमकी मिलने पर संदीप ने मुंबई के विक्रम सिंधु, गड्डी छाजू के सुनील गहल्याण, समालखा के पुरुषोत्तम मित्तल जरोसी के जोगिंद्र उर्फ जोगा, स्पेन में रह रही सुनील की पत्नी सोनिया के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकी, मानव तस्करी सहित 11 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पहले तो झांसा दिया गया विदेश भेजने के नाम पे, और फिर तो पैसे लिए गए मेरे से। हर टाइम जब भी उनका मन करता था कि भी अब पैसों की ज़रूरत है और तेरे तो पैसे कमी होंगे, तू हमारे को दे दे। मैं पैसा देता रहा कि भाई मेरे को वहाँ पे पीआर दिलवाएंगे और पक्का करवाएंगे, मकान भी दिलवाएंगे। तो फिर मैंने उनको लगभग सारे ही पैसे दे दिए। उसके बावजूद उन्होंने मेरी वाइफ को टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर भेज दिया, और बाहर भेजने के बाद उसके साथ बदतमीजी स्टार्ट की वहाँ पे जाके उन्होंने। कौन कौन लोग थे? पुरुषोत्तम लाला और विक्रम संधु, सुनील गल्याण, सोनिया वाइफ ऑफ सुनील, और ये अपने जुरासी वाले जोगिंदर जोगा। आप कैसे इनके कांटेक्ट में आए? मैं सुनील को जानता था पहले, तो सुनील ने ही मिलवाया सबसे। इसके एक ही ऑफिस है इनका यहाँ पे 11 धर्मकट्टे के पास, वहीं पे मिले थे। तो इन्होंने बहुत गलत किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ तो इंसाफ होए, और भी किसी के साथ ऐसा कुछ ना करें जो मेरे साथ हुआ है। तो क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ अब कैसे, क्यों, कहाँ है इस समय? मेरी वाइफ इस टाइम इलीगल है, इटली में रह रही है किसी तरह छिप के। अगर उसको यहाँ बुलाएं तो भी उसको जेल काटनी पड़ेगी वहाँ पे। हम तो इनकी वजह से मेरा सारा परिवार बिल्कुल बर्बाद कर दिया इन्होंने। सारे प्लाट वगैरह बेचे मैंने, सारी ज़मीन बिकवा दी इन्होंने। खुद इन बिकवाने वाले ये हैं, खुद पैसे लेने वाले ये हैं। तो जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में हुआ है ना, वो इनकी वजह से हुआ है। आज मैं बिल्कुल बर्बाद और बिल्कुल बेरोज़गार खड़ा हूँ, जो इनकी वजह से खड़ा हूँ। क्या सपने दिखाए जाते हैं आपको? इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे उस टाइम पे। तो ले जाते थे मेरे को बॉम्बे, वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफिस दिखाते थे ये, और कहते थे कि भाई तेरे को पीआर भी दिलवा देंगे, हमारे तो यूरोप में बड़ी अच्छे अच्छे ऑफिस है, हमारी सब जगह चलती है। यूरोप में, स्पेन में आता है तो वहाँ पे हर एक देश में हमारी बहुत अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को पीआर भी दिलवाएंगे, तेरे को मकान भी दिलवाएंगे, अच्छी तरह सेटल्ड कर देंगे बिल्कुल। कितने लोगों का वीज़ा लगाने की बात की और कितने लोगों को लगाया? इन्होंने 3 बंदों का लगाने की बात हुई थी हमारी, तो मेरा, मेरी वाइफ का और मेरी साली का। तो इन्होंने हमारे को बुलाया पहली बार, बुलाने के बाद फिर वहाँ पे ये बोले कि भी पैसे दे दे इतने, मैंने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद फिर ये बोले चलो भी एम्बेसी में चलो फिंगर करवा देते हैं, फिंगर करवाई, फिर रिफ्यूज़ करवा दिया। फिर वहीं पे रहे हम 15-20 दिन, फिर आ गए, फिर सर बोले कि भाई चल दोबारा करवाएंगे, फिर ट्रेन के थ्रू फिर गए हम दोबारा। ऐसे 2-3 बार गए, 2-3 बार ही रिफ्यूज़ करवाया वीज़ा। फिर बात हुई कि भाई खाली मुस्कान को भेज दो, पहले इसका लगवा देते हैं, फिर तेरा लग जाएगा, फिर इशिता का लग जाएगा। ऐसे बोले कि 20-20 दिन के बीच में लगेगा। तो बोले कि पहले इसी मुस्कान को भेज देते हैं और 20 दिन बाद तेरे को भेज देंगे। तो ये सब बोलते रहे यार, वह मुस्कान को भेज दिया। फिर मैं बोला भाई हमारे को तो भेजा नहीं जा रहा, हमारे पैसे वापस दे दो। बोले कि आज देंगे कल देंगे, ऐसे ही झांसा देते रहे, कोई पैसे नहीं दिए। और वहाँ पे जाके मेरी वाइफ को बेचने की कोशिश करी, बदतमीजी करी, बहुत ही गंदा व्यवहार किया वहाँ पे। रातों रात उसको निकालना पड़ा, हमने कैसे भी कोशिश करके, जितनी हमारी थी कोशिश, तो वहाँ से स्पेन से इटली भेजा। कितने रुपए की डिमांड की गई थी आप लोगों से और कितने दिया? इन्होंने 70 लाख रुपए की डिमांड की थी, तो लास्ट में वहाँ बॉम्बे जाके 62 लाख रुपए में हमारी सेटल कर। कितने पैसे दे चुके हैं आप उनको?
मैं उनको 62 लाख पूरे दे चुका हूँ पहले। इसमें क्या है कि इन लोगों ने जो भी एक्यूज पर्सन, आप लोगों को भी नाम बताया, सारा का सारा डिटेल दिया है, उसमें सब लोगों ने मिलकर इसके सामने 420 किया है, सारा का सारा इसका जो भी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करके या जो भी इसने अर्न किया था, इसका पूरी लाइफ का जो भी अर्निंग था, जो भी इसका फादर साहब का अर्निंग था, सारी की सारी इन्होंने प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के इन लोगों के हाथ में दे दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने बोला कि हम वर्किंग वीज़ा लगवाएंगे, हम लोग आप लोगों को PR देंगे 3 लोगों को, और 62 लाख रुपीज़ इन लोगों ने टोटल सब लोगों ने जो भी इसके अंदर हैं एक्यूज पर्सन सबके सब लोगों ने लिया। ना तो उन्होंने PR लगवाया, ना उन्होंने वर्किंग वीज़ा लगवाया इन लोगों का, उल्टा इन लोगों को थ्रेट भी किया कि भी तुम लोग कहीं पे कंप्लेंट करोगे तो तुम लोगों को जान से मरवा देंगे हम लोग, और उल्टा इन लोगों के साथ में बदतमीजी की, इसकी वाइफ के साथ में वहाँ पे स्पेन में जाके बदतमीजी करी इन लोगों ने जो एक्यूज पर्सन है, और जो यहाँ पे जोगिंदर चौरासी है उसने, जो इसकी साली है, जब बॉम्बे जा रहे थे उसने यहाँ पे भी इसके साथ में बदतमीजी करी। इवन कंप्लेंट देने के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी तरफ से बाई कॉल, बाई कैसे भी करके प्रेशराइज करने की कोशिश की भी कैसे भी अपनी कंप्लेंट को उठा ले, अदरवाइज़ की भी किसी भी कभी बदमाशों के थ्रू, कभी किसी लोकल पॉलिटिशियंस के थ्रू या लोकल जो भी वो प्रेशर बना सकते थे इसके ऊपर में, उन्होंने पूरा का पूरा इसके ऊपर प्रेशर बनाया ताकि इसकी FIR दर्ज ना हो। इस सारी चीज़ों के लिए जो भी वो कर सकते थे, उनको पैसा वापस देना पड़े इन लोगों का, ना ही इसकी FIR दर्ज हो, ना ही कोई कार्रवाई हो, वो तो ये था कि बेसिकली मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ के जो SHO हैं हरविंदर सिंह जी, बेसिकली यहाँ के जो SP हैं आपकी पानीपत की, मैडम है जो आपकी मनीषा चौधरी जी, उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से हमारे मैटर को लिया, उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग किया और FIR दर्ज करी, और हमें बहुत उम्मीद है इस चीज़ का कि भी वो बहुत अच्छे से आगे भी इन सब लोगों को एक्यूज जो भी पर्सन हैं इसके अंदर प्रॉपरली ईमानदारी से इंक्वायरी करा के सबके सब लोगों को अरेस्ट कराएंगे, और ऐसा वो किसी और के साथ ना कर सके समालखा में, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन लोगों के साथ में क्या, बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने झांसा दिया है, जिन लोगों के पैसे बहुत लोगों के लिए हुए हैं, जिन लोगों को बॉम्बे में अपने सरगना विक्रम संधु को दिखा के, ऑफिस दिखा के, इनको लग्जरी लाइफ दिखा के पैसे ऐंठते हैं, उन लोगों के, इन लोगों के झांसे से और लोग बच सके, बेसिकली ये FIR उन लोगों के लिए भी एक सबक होगा कि भी कम से कम और लोग और पब्लिक इन लोगों पे ठगने से बच सके, और लोगों को ये लोग ठग ना पाएँ, बेसिकली इसलिए हम लोगों का ये FIR हुआ है, ये और लोगों के लिए भी एक उम्मीद है, और मैं आप सब प्रेस वालों से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करती हूँ कि बहुत ईमानदारी से इस मैटर को रखेंगे और इन लोगों को डिस्क्लोज करेंगे पब्लिक के सामने कि इन लोगों को किसी और के साथ में ठग ना पाएँ ये लोग। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।